सुपौल जिला ब्यूरो चीफ योगेश्वर पासवान जी की खास रिपोर्ट। बेखौफ अपराधियों का कहर, युवक को मारी गोली, अस्पताल में भर्ती। मामला सुपौल जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 57 बेलही पुल के समीप 3 बाइक सवार 6 अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। जानकारी के अनुसार जागेश्वर शर्मा किसी काम से NH 57 बेलही चौक पर आया था। इसी क्रम में 6 अपराधियों ने युवक के ऊपर गोली चला दी, जिसके उपरांत गोली युवक के बाजू में लगी, जिससे वे बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तत्काल ग्रामीणों की मदद से 2 अपराधियों और 2 बाइक को पकड़ लिया गया। वहीं जख्मी जागेश्वर शर्मा को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिमराई भेज दिया गया। आक्रोश ग्रामीणों ने NH 57 को जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही प्रतापगंज थाना मौके पर पहुंचे और दोनों अपराधी को पकड़कर थाना लाया गया। वहीं मौके पर SDPO पंकज कुमार मिश्रा ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जागेश्वर शर्मा पिता रामरूप शर्मा, जो बेलही ग्राम वार्ड नंबर 3 का रहने वाला स्थानीय व्यक्ति है। सुनिए खास जानकारी में SDPO पंकज कुमार मिश्र ने क्या कहा। अचानक हमारा 30,000 रुपया चाहिए भैया, 30,000 रुपया हम कभी, तुम जानते हो उसको? हाँ जानते हैं। कहिए भैया हमें 30,000 कथी की देवो? नहीं तू सामान लेना चाहे, हम कहिए भैया कोनो सामान नहीं लेना चाहे। कोई कह देते 5 आदमी के बैठा, लड़ाई नहीं करे के रहता चौक पहला तो 5 आदमी को बैठब, एहिठमा 5 आदमी को बैठा दे, 5 गो हमारा काम के लोग छे ना एहिठमा बैठाब, नहीं तोरा गोली मारि देबो, नहीं तो सब सामान ला 30,000 टका ला। ता तक में जागेश भाई पहुँच गए उम्र की बोले रे भैया हो देखा ना कि हमारा धमकी धमकी दे भेजे 30,000 टका लंत गोली मारि देबो। ता तक में जागेश भैया डाल चौक पर रंगदारी ओहिठमा से लगल तो हमारा कल कि हमारा बगल करके तुरंत निकल गोली चला दिल्ली हमारा पर हमरा भाई हमरा जे बचल के तब वाला केस वो अपना सा साइड पे लिखवा रहे हैं हमसे डाल रहे हैं केस ये हां भाई अच्छा आगे चल रहे हैं पाए टाइम में शायद टूट गया है हो गया था कल कर लिया है पहले, लेकिन इसके यहां दारू की दारू का पकड़ाया है 2019 या 20 में साइज वाले रख दिया था 18 में बता रहा था 18 में कुछ दिन में पैसे का है वो है पर अच्छा अच्छा तो पकड़े में लगा काफी आप लोग लोगों का भी तादाद है, क्या मांग है आप लोगों का? आप लोगों का क्या मांग? हम लोगों का मांग है कि मतलब मुजरिम पकड़ा दे, गिरफ्तार हो, 2 मुजरिम गिरफ्तार हो चुका है, जिला प्रशासन ने सूचना दे दी है जी। अब आप लोग क्या चाहते हैं इसके बाद? चारों को और पकड़े जरूर करा दे। कितने कितने आदमी थे वहाँ? 7 आदमी का नाम बताया है। सात आदमी का नाम बताया। अच्छा, गोली लगने का कारण पता चल पाया है? नहीं कारण पता नहीं, कारण नहीं पता चल पाया, गोली क्यों मारा है? चलिए लालेश्वर सर, चलिए काम है। यहाँ जो है सो अपराधी द्वारा गोली चलाई गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आप सूचना मिली थी तो कुछ अपराधी व्यक्ति को गोली मार दिया था फर्स्ट में, उसी में क्या कहते हैं कि जनता यहाँ पर रोड जाम कर दी है, जिसमें 2 अपराधी पकड़ा गए और बाकी को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगली कार्रवाई की जाए। शुभ नाम सर? पंकज कुमार। सर गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ 2 पकड़ा गए हैं सर। जैसे की जानकारी मिल रहा था प्रशासन को भी कुछ चोटें आई है? हाँ थोड़ा सा पब्लिक मॉब हो गया था, जिसमें जो पकड़ाया था उसको मारपीट कर रहा था, उसे बचाने में थोड़ा सा प्रशासन को भी छूट नहीं। बाकी जो सर फरार है उसका गिरफ्तारी कब तक होगी? जस्ट हो जाएगा, हम लोग लगे हुए हैं, क्या कहते हैं जो जैसे ही क्या कहते हैं हम लोग फ्री होते हैं, 2 पकड़ा गया है और हम लोग लगे हुए टीम लगी हुई पकड़ने में, उसको पकड़ा जाएगा, जल्दी पकड़ा जाएगा। ठीक है सर, छोड़ दीजिए, ठीक है।